नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ उत्तम। आज मैं फिर हाजिर हूं एक नई डिश लेकर आपके सामने, जिसका नाम है मटर कोरमा। बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब डिश है, तो आइए शुरू करते हैं मटर कोरमा। 250 ग्राम मटर लेंगे, 170 ग्राम मूंग दाल येलो, 2 चॉप किए हुए प्याज, 4 टमाटर की प्यूरी, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 8 क्लोव्स चॉप करके, जिंजर 20 ग्राम चॉप करके, 20 ml ऑयल, 1 स्पून हल्दी और 1 स्पून धनिया, गरम मसाला, 600 ml वाटर, 2 ग्रीन चिली चॉप और थोड़े से खड़े मसाले। सबसे पहले हम दाल लेंगे, दाल को हम पैन में डालेंगे। पैन में कुछ भी नहीं डालना, तेल घी कुछ नहीं, इसको ऐसे ही हम धीरे धीरे इसको हम लाते रहेंगे। देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है और इसका कलर चेंज होते जा रहा है, हल्का सा रेडिश हो गया है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम आपको 10 मिनट तक इसको ऐसे ही चलाते रहना पड़ेगा स्लाइसर, ताकि ये दाल एक कलर आ जाए इसमें। और उसके बाद हम इसको मिक्सी में पीसेंगे और ये दाल हमने डाली मिक्सी में और अब हम इसको पीस लेंगे और ये पीस के तैयार हो चुका है। देखो इस तरह से दरदरा होना चाहिए, इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, हल्का दरदरापन इसमें आना चाहिए। अब हम तेल डालेंगे पैन में और जब आपका तेल गर्म हो जाए तो उसमें खड़े मसाले डाल दें। खड़े मसाले डालने के बाद इसमें सबसे पहले गार्लिक डालें और चॉप जिंजर जो हमने करके रखा हुआ था इसको थोड़ा हिला लें और जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। हमने चॉप किया हुआ प्याज इसमें डाल दिया है। प्याज को भी हम हल्का ब्राउन करेंगे, धीरे धीरे इसको हिलाते रहें जब तक कि आपका प्याज ब्राउन ना हो जाए। दो हरी मिर्च जो हमने चॉप करके रखी हुई थी ये भी इसमें डाल दी हैं। प्याज थोड़ा ब्राउन होने में टाइम लेता है और ये देखिए जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ हमने इसमें टमाटर प्यूरी डाल दिया है, इसको भी मिक्स कर लेंगे, एक साथ पका लेंगे और उसके बाद इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। ठीक है, हमने सारे मसाले डाले, अब उसके बाद मिक्स कर लें और मसाले पकने दें इसमें। जब हल्का सा इसमें मसाला पक जाए और तेल ऊपर दिखने लगे तो इसके बाद इसमें मटर डाल दें, उबले हुए मटर जो हमने बॉल में रखे हुए थे, साथ ही पिसी हुई दाल हमने इसमें डाल दी है और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब आपकी दाल और मटर मिक्स हो जाए तो इसमें 600 ml पानी डालें। अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो आप पानी थोड़ा बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना गाढ़ा खाना पसंद करते हैं।
इसके बाद हमने इसमें नमक डाला है स्वाद अनुसार और इसको कम से कम 20 मिनट के लिए पकने दें। बीच बीच में चेक करते रहें कहीं नीचे से आपकी जो डिश है तो जल ना जाए, तो बीच में ज़रूर चेक करें। और ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है, बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है और आपकी ये डिश तैयार हो चुकी है। इसको गार्निश करें धनिए से और ये देखिए आपकी डिश तैयार। खुद भी खाएं, दोस्तों को भी खिलाएं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये डिश? अपनी फैमिली को खिलाएं, अपने दोस्तों को खिलाएं और इन्जॉय करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।